एक किराए के मकान में जया और रमेश नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक 7 साल की छोटी सी लड़की भी थी जिसका नाम निधि था। 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना मकान बदलकर एक 2 रूम सेट का फ्लैट खरीदा था। अब वो वहीं रहा करते थे। रमेश नौकरी करता था और जया गृहिणी थी। एक दिन रमेश सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है। जया, मार्केट जाके घर का कुछ जरूरी सामान ले आना। ठीक है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं और निधि मार्केट चले जाएंगे। अच्छा सुनो, मैंने शर्मा जी को कामवाली के लिए बोल दिया है, कोई कामवाली होगी तो वो भेज देंगे। हाँ, कामवाली की तो बहुत जरूरत है, इतना सारा काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी और मुझे निधि को भी तो संभालना होता है। फिर रमेश ऑफिस चला जाता है। निधि वहीं एक तरफ बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही होती है। घर का काम खत्म होते ही जया निधि को लेकर मार्केट चली जाती है और सभी जरूरत का सामान थैले में ले लेती है। जब वो सीढ़ी चढ़ती है तो निधि की नजर सीढ़ी पर रखी एक गुड़िया पर पड़ती है जो देखने में बहुत सुंदर होती है। मम्मी, ये सीढ़ी पर रखी गुड़िया किसकी है, मैं इसे ले लूं? नहीं निधि, बाहर पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाते, आपको समझाया है ना? पर यहाँ तो कोई नहीं है, मैं इसे ले लूं? निधि बहुत जिद करती है तो जया मान जाती है। ठीक है बाबा, ले लो, पर वादा करो अगर कोई बच्चा जिसकी भी ये गुड़िया होगी वो मांगने आएगा तो तुम उसे दे दोगी। शायद बिल्डिंग का कोई बच्चा खेलते खेलते यहाँ रखकर भूल गया होगा। निधि उस गुड़िया को गोद में उठा लेती है। हाँ मम्मी, मैं वादा करती हूँ जिसकी भी ये गुड़िया होगी मैं उसे ये लौटा दूंगी। निधि और जया घर में आ जाते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। जया दरवाजा खोलती है तो बाहर शांताबाई खड़ी होती है। राम राम मेम साहिब, मैं काम वाली हूँ। अच्छा, रमेश ने बताया था कि उन्होंने शर्मा जी को बोला था कामवाली के लिए, आपको शर्मा जी ने ये भेजा होगा ना? ठीक है, आप अंदर आ जाइए। शांताबाई अंदर आ जाती है। मेम साहिब, काम करने से पहले ही बता दूं, मेरे को एडवांस मांगता है काम शुरू करने से पहले। एडवांस? अरे पहले काम तो करो। मेम साहिब, वो तो मैं हूँ जो यहाँ काम करने के लिए मान गई, कोई और कामवाली होती ना तो इस फ्लैट की तरफ देखती भी नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया इस फ्लैट में? कुछ नहीं मेम साहिब, चलो अब मुझे काम बता दो। क्या क्या काम है? जया उसकी बातों पर ध्यान न देकर उसे सारा काम समझा देती है और निधि अपने कमरे में गुड़िया लेकर चली जाती है। अच्छा मेम साहिब, मैंने सारा काम समझ लिया, अब ना कल से आएगी। और फिर शांताबाई चली जाती है। जया खाना बनाने रसोई में चली जाती है और निधि कमरे में बैठकर उस गुड़िया के साथ खेलती है। निधि बेटे चलो, पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो और दूध पी लो, फिर उस गुड़िया के साथ खेलना। निधि हाथ मुंह धोकर दूसरे कपड़े पहनकर और दूध लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। निधि दूध पीती है और गुड़िया को भी पिलाती है। गुड़िया सारा दूध पी लेती है। ये देखो मम्मी, मेरी गुड़िया ने सारा दूध पी लिया। अरे बेटा, उसे कुछ मत पिलाना, नहीं तो उसके अंदर सारा दूध जाने से वो खराब हो जाएगी। अच्छा मम्मी ठीक है, नहीं पिलाती। रात हो जाती है। रमेश भी ऑफिस से घर आ जाता है। फिर सभी मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। निधि खाना खाती है, उसके हाथ में फिर भी गुड़िया होती है। निधि, गुड़िया को एक तरफ रखो फिर खाना खाओ। नहीं पापा, गुड़िया भी हमारे साथ खाएगी, वो भी तो भूखी है। जया, निधि के पास इतनी सारी गुड़िया है फिर भी तुमने इसे एक और गुड़िया दिला दी। जया रमेश को सारी बात बताती है कि उसे ये गुड़िया सीढ़ियों पर पड़ी मिली थी, निधि जिद कर रही थी तो मैंने लेने को हाँ कह दिया। ये लड़की भी ना जिद्दी हो गई है। अच्छा ठीक है निधि, जल्दी जल्दी खाना खाओ और अपने कमरे में सोने जाओ। निधि जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। निधि गुड़िया के साथ थोड़ी देर तक खेलती है और फिर सो जाती है। आधी रात होने पर जया को किसी के हंसने की आवाज आती है। जया उठकर देखती है, कहीं निधि तो नहीं रो रही। अरे निधि तो आराम से अपनी गुड़िया के साथ सो रही है, फिर ये हंसने की आवाज किसकी थी? जया फिर सोने चली जाती है। सुबह होती है, रमेश ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और टेबल पर नाश्ता करता है और जया कुछ सोच रही होती है। क्या सोच रही हो, क्या बात है, कुछ टेंशन में लग रही हो? रात को सब सो रहे थे ना तो मुझे किसी के हंसने जैसी आवाज आई, ऐसा लगा निधि डर गई होगी अकेले इसलिए रो रही होगी, पर जब मैं उसके कमरे में गई तो वो सो रही थी। तुम्हारा वहम होगा, ज्यादा थकान की वजह से होगा, कल तुम पूरे दिन काम में लगी रही होगी इसलिए। अच्छा हाँ, काम से याद आया, तुमने बताया था ना शर्मा जी को काम वाली के लिए बोला था, कल वो आई थी, मैंने उससे पगार की बात कर ली है, वो आज से आएगी। अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और सुनो जया, निधि अभी तक सोई है, उसे उठा दो। अच्छा ठीक है, अभी उठाती हूँ।
रमेश ऑफिस के लिए निकल जाता है और जया निधि को उठाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है जो गुड़िया रात को उसके पास सो रही थी वो दूर कुर्सी पर बैठी है। उसे बहुत अजीब लगता है तो वो निधि को उठाती है। उठो बेटा उठो, बहुत समय हो गया, उठो। निधि उठ जाती है। निधि बेटा ये गुड़िया तो रात को तुम्हारे साथ सोई थी तो ये कुर्सी पर कैसे आई? अरे मम्मी मैंने आपको बताया था ना ये गुड़िया बहुत अच्छी है, ये मेरे साथ दूध भी पीती है, खाना भी खाती है, मुझसे बात भी करती है, मेरे साथ खेलती भी है, तो अपने आप उधर चली गई। जया बहुत डर जाती है और फिर वो सोचती है कल निधि पूरे दिन गुड़िया के साथ खेलती रही है तो सपने में भी वो गुड़िया होगी, इसलिए सपने वाली बात बता रही होगी। निधि नहा धोकर तैयार हो जाती है, नाश्ता भी कर लेती है, फिर कमरा बंद करके गुड़िया के साथ खेलने चली जाती है और फिर घर के दरवाजे पर खटखट होती है। जया दरवाजा खोलती है तो काम वाली बाहर खड़ी होती है। राम राम मेम साहिब, मैं काम करने जाती है रसोई में। शांताबाई रसोई में बर्तन धोती है और जया अपने कपड़े अलमारी में रख रही होती है, तभी निधि रूम से बाहर आ जाती है अपनी गुड़िया के साथ। निधि गुड़िया को चालू कर देती है और गुड़िया फर्श पर चलने लगती है। गुड़िया चलते चलते रसोई में चली जाती है और शांताबाई के पास जाकर उसकी साड़ी पकड़ लेती है और शांताबाई डर जाती है। छोड़ छोड़ मेरी साड़ी, छोड़ छोड़। आवाज सुनकर जया अपने रूम से बाहर आ जाती है और तभी गुड़िया उसकी साड़ी छोड़ देती। क्या हुआ शांताबाई, क्यों चिल्ला रही थी? मेम साहब अभी इस गुड़िया ने मेरी साड़ी पकड़ ली थी तो डर गई थी मैं। कुछ भी बेकार की बात मत करो, काम पर ध्यान दो। ये गुड़िया बेजान जो बैटरी से चलती है, चलते चलते तुम्हारी साड़ी में अटक गई होगी और तुम डर गई। शांताबाई फिर अपने काम में लग जाती है। फिर वो पोछा लगा रही होती है तो निधि गुड़ियों के साथ खेलती है। शांता की नजर पोछा लगाते लगाते गुड़िया पर पड़ती है तो गुड़िया उसकी तरफ देखकर अपनी मुंडी पूरी घुमा लेती है और उसे घूरने लगती है। शांताबाई फिर डर जाती है। शांताबाई का काम खत्म होते ही वो चली जाती है। मेम साहब मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब मैं चलती है। अच्छा हाँ मेम साहब, कल बात हुई थी ना एडवांस की? हाँ हाँ मुझे याद है, ये लो तुम्हारा एडवांस। जया उसके हाथ में पैसे थमा देती है। मेम साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेम साहब इस घर में कुछ गड़बड़ है, शायद मुझे कुछ अजीब लगा। और फिर शांताबाई चली जाती है। जया फिर सोचने लगती है कि उसे भी रात को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। रात होती है और रमेश भी ऑफिस से घर आ जाता है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में जया को फिर से किसी के हंसने की आवाज आती है। जया रमेश को उठाती है। रमेश उठो उठो, देखो ना इतनी रात में कौन हंस रहा है। बताओ क्या हो गया? रमेश मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब? अरे कोई हंस रहा है। रमेश जाकर देखता है तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता। जया ये सब तुम्हारा वहम है, तुम ये जो हॉरर सीरियल देखती रहती हो ना उसकी वजह से हो रहा है। वो सब देखना बंद कर दोगी तो आवाजें सुनाई देना बंद हो जाएंगी। नहीं रमेश ये मेरा सच में वहम नहीं था, मैंने सच में रोने की आवाज सुनी थी। रमेश फिर सोने चला जाता है। कुछ दिन पहले ही हम इस नए फ्लैट में आए हैं और ये क्या मुसीबत आ पड़ी। और फिर जया भी सो जाती है। रोज की तरह सुबह रमेश तैयार होता है और ऑफिस चला जाता है, तभी डोरबेल बजती है। जया जाकर देखती है तो बाहर शांताबाई खड़ी होती है। शांताबाई अंदर आती है। क्या बात है मेम साहब, बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश तो इन बातों को मानता नहीं, शांताबाई को ही बता देती हूँ। और जया शांताबाई को सारी बातें बता देती है। मेम साहब मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ, यहाँ एक आत्मा रहती है। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ मेम साहब, आपसे पहले यहाँ एक खुराना साहिब रहते थे, उनकी 8 साल की बेटी थी। वो जो उसकी माँ थी ना, वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, उससे पूरा दिन घर का काम कराती थी और बहुत मारती भी थी। एक दिन वो काम करते करते बेहोश हो गई, उसे देखकर उसकी सौतेली माँ ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। और जब अगली सुबह उसने उस कमरे को खोलकर देखा तो देखा कि वो मर चुकी है, और उसकी लाश को देखकर उसे रात को अकेले में पार्क में गाड़ दिया ताकि किसी को पता न चले कि उसकी बेटी कहाँ गई, और वो ये घर छोड़कर चले गए। यहाँ आने से पहले शायद आपने इस फ्लैट के बारे में पूछताछ नहीं की, अगर पता कर लिया होता तो अच्छा होता। ये सब बताकर शांताबाई काम में लग जाती है और काम खत्म करके चली जाती है। इतने में जया को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो चारों तरफ देखती है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज सुनकर जया बहुत डर जाती है। इतने में रमेश भी घर आ जाता है। रमेश मुझे बहुत डर लग रहा है, शांताबाई ने बताया था कि हमसे पहले जो यहाँ रहता था उनकी बच्ची थी, उसकी मौत हो गई थी और उसकी आत्मा यहाँ भटकती है, और तो और आज तो किसी के हंसने की भी आवाज आई।
क्या बचपना लगा रखा है तुमने, कभी कोई रोता है कभी कोई हंसता है, पता नहीं क्या बोलती रहती हो। रमेश सच में इस घर में कुछ है, इस घर में सच में आत्मा है। जया हमारी एक छोटी सी बेटी है, वो देखेगी तो डर जाएगी। तभी जया और रमेश निधि का कमरा खोलकर देखते हैं तो वो गुड़िया निधि से बात कर रही होती है। ये सब देखकर रमेश भी डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि उस गुड़िया में एक आत्मा है। तभी रमेश उस गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर जब वो ऊपर आकर देखता है तो वो गुड़िया फिर उसी फर्श पर बैठी होती है। जया जल्दी से शांताबाई को फोन लगाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि अभी अभी क्या हुआ। शांताबाई, शांताबाई, मैंने अभी अभी उस आत्मा की हरकत देखी है, तुम जल्दी से कुछ उपाय बताओ, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बाबा को जानती हूँ, उसे अभी आपके घर भेजती हूँ। शांताबाई उस बाबा को जया के घर भेज देती है। बाबा जया के घर पहुँच जाता है और जया दरवाजा खोलती है और बाबा को अंदर बुलाती है। फिर जया बाबा को वो गुड़िया दिखाती है। बाबा उस पर गंगा जल छिड़कते हैं और तभी वो गुड़िया चिल्लाकर बोलती है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्यों मुझे निधि से दूर करना चाहते हो। ऐ गुड़िया, तुम यहाँ नहीं रह सकती और तुम्हें निधि से दूर होना पड़ेगा। अगर तुमने उसे कोई चोट पहुँचाई या उसे मार डाला तो। नहीं नहीं, मैं निधि को कुछ नहीं करूँगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे पहले मेरी सौतेली माँ बहुत सताती थी, वो मुझे ठीक से ना तो खाना देती थी, ना मेरा ख्याल रखती थी, ना मेरे साथ खेलती थी, ना मुझे कभी प्यार करती थी। निधि तो बहुत अच्छी है, निधि मेरे साथ खेलती है, मुझसे बातें करती है, मुझसे प्यार करती है, मैं उससे कभी दूर नहीं होना चाहती। हाँ बाबा जी, मैंने बोला था ना, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे साथ खेलती भी है। रमेश और जया उसे कमरे में जाने को बोलते हैं और निधि चुपचाप कमरे में चली जाती है। ये हम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, अगर पहुंचाना होता तो वो अब तक निधि को भी मार देती। ये कोई बुरी आत्मा नहीं है बल्कि एक अच्छी आत्मा है, हमें इसे भस्म नहीं करना चाहिए, हमें इसे मुक्त कर देना चाहिए ताकि ये खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाए। तो अब आप ही बताइए कि अब हमें क्या करना होगा। इस गुड़िया को जला दो और उस राख को बहा दो, इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी और वो बिना परेशान हुए चली जाएगी। जैसा जैसा बाबा बोलते हैं वैसा वैसा रमेश और जया करते हैं और उस गुड़िया को ले जाकर जला देते हैं और उसकी राख एक लोटे में लेकर बहा देते हैं और उस अच्छी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जब रमेश और जया घर पहुंचते हैं तो निधि पूछती है, पापा मम्मी मेरी गुड़िया कहाँ गई? बेटा अब तुम्हारी गुड़िया अच्छी दुनिया में चली गई। क्या वो खुश है? हाँ बेटा वो बहुत खुश है, बहुत खुश। एक गांव में निर्मला अपने दो बच्चों मीनू और मोहित के साथ रहती है। एक दिन वो दोनों बच्चों को मायके जाने के लिए तैयार करती है। मीनू और मोहित जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। क्या हुआ माँ, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अरे तुम भी बुद्धू हो, हर बार भूल जाते हो। इन दिनों में हम हर बार रुस्तमपुर जाते हैं। हाँ तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। मीनू और मोहित तैयार होकर बाहर आ गए। वाह मेरे बच्चों, चलो अब जल्दी से चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों को लेकर जा रही थी कि तभी रास्ते में बस खराब हो गई। सभी लोग नीचे उतर गए। माँ अब हम कैसे जाएंगे? ये बस ठीक नहीं होनी चाहिए। अरे तू पागल है क्या, कैसी कैसी अपशगुन वाली बातें कर रही है। माँ देखो ना ये जंगल कितना खूबसूरत है, इसीलिए मैं इसमें रहना चाहती हूँ। अपना मुंह बंद कर, ऐसी बातें नहीं करते, कभी कभी बातें सच भी हो जाती हैं। हाँ सभी लोग परेशान थे क्योंकि बस के ठीक होने के इंतजार में शाम होने को थी और सभी उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी ड्राइवर ने आकर बोला कि सभी यात्री शांति बनाए रखना, बस को ठीक होने में समय लगेगा। अरे हमें घर जाने में देरी हो रही है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, जल्दी से बस ठीक करो। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, आप थोड़ा रुक जाइए, मैं जल्दी बस ठीक करा दूंगा। तुमने 2 घंटे से यहाँ खड़ा किया हुआ है, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमारे पैसे वापस करो, हम जा रहे हैं। सभी लोग ड्राइवर से अपने किराए के दिए हुए पैसे वापस मांगने लगे। ड्राइवर ने सभी को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई उसकी बात नहीं माना और सभी लोग पैदल ही वहाँ से जाने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें अजीब सा डर लगा। माँ ये आवाजें कैसी हैं? मुझे लगता है आगे खतरा है,
हमें दूसरी दिशा में चलना चाहिए, वहाँ से जरूर कोई छोटा रास्ता होगा। निर्मला अपने बच्चों के साथ दूसरी तरफ चलने लगी, लेकिन तभी उन्हें सामने एक नदी दिखाई दी, जिसे देखकर निर्मला घबरा गई। अरे ये क्या हुआ, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले आई हूँ, अब दूसरी तरफ जाने में बहुत समय लगेगा। माँ, हमें उस तरफ वापस चलना होगा। अरे मेरी ही बेवकूफी की वजह से हम मुसीबत में फंस गए हैं, चलो अब जल्दी से वापस चलते हैं। निर्मला अपने बच्चों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उनके सामने दो लोग रंगा और बिल्ला आ गए। आप लोग कौन हो और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? हम यहाँ के राजा हैं। जंगल का राजा तो शेर होता है, और आप तो शेर नहीं हो। छोटे बच्चे, तू मुझे आँख दिखाता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता कि यहाँ पर कितने लोग जिंदा ही दफन कर दिए। जितने भी लोगों को हमने मारा है, सभी तड़प तड़प कर यहीं मर जाते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को वापस जाने दीजिए। हमने आज तक किसी को वापस नहीं जाने दिया। तुम्हारे पास जो भी है चुपचाप मुझे दे दो, वरना सभी जान से जाओगे। निर्मला डर की वजह से अपने पहने हुए गहने उतारने लगी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी, जिसमें से बहुत डरावनी आवाजें आ रही थीं। सभी ने डर कर चारों तरफ देखा, लेकिन तभी तूफान आया और चारों तरफ से भूत और चुड़ैल दिखाई देने लगे। निर्मला और उसके बच्चों की चीखें निकल रही थी, वो डर की वजह से कांप रहे थे, लेकिन तभी फौजी की वर्दी पहनी हुई थी और वो रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा। रंगा बिल्ला ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा बच नहीं सकते थे। तुम यहाँ आने जाने वाले सभी को परेशान करते हो, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हमें जाने दो। हम आज के बाद किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। भूतिया फौजी रंगा और बिल्ला की तरफ बढ़ा और उसने अपने दोनों हाथों से दोनों की गर्दन दबा दी। दोनों की सांस रुकने लगी, दोनों चीखने लगे। तभी निर्मला अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागी, लेकिन फौजी भी उनके पीछे चलने लगा। तेज तेज भागो, वो इसी ओर आ रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। बच्चों, तुम उसकी बात का ध्यान मत दो, यहाँ से जल्दी भागो। बच्चे बुरी तरह थक चुके थे, इसीलिए वो अब और तेज नहीं दौड़ सकते थे, वो हाँफ रहे थे। लेकिन उस जंगल में बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी, जिसके कारण थकने के बाद भी उनके पैर रुक नहीं रहे थे। फिर फौजी खुद रुक गया और निर्मला भी अपने बच्चों के साथ बस तक पहुंच चुकी थी। तब तक बस भी ठीक हो चुकी थी। उसने देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि एक भी सवारी वहां से गई नहीं थी। अरे तुम अपने बच्चों के साथ कहां चली गई थी, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम जानती नहीं हो कि ये कितना खतरनाक जंगल है, अगली बार इसमें मत जाना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, अब जल्दी से बस ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ड्राइवर ने बस चलाई और सभी को बस स्टैंड पर छोड़ दिया। निर्मला अपने बच्चों के साथ अपने घर चली गई। कुछ दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो गया और निर्मला वापस जाने लगी। माँ, हम घर वापस चल रहे हैं। ठीक है, आज हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, तुम्हारे पापा भी आज फौज से वापस आ जाएंगे। यस, इस बार पापा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने भी लाएंगे, पापा ने वादा किया था। हाँ, मेरे लिए भी बहुत सारी गुड़िया लाएंगे। अब जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। निर्मला और उसके बच्चे इस बार ऑटो से घर जाने लगे। तीनों ऑटो में बैठ गए, उनको घर जाने से ज्यादा अपने पापा के आने की खुशी थी। तभी ऑटो वाले ने ऑटो एक सुनसान जगह में चाय की टपरी की तरफ रोक दिया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी चाय बेच रहा था। ऑटो वाले ने रोक कर कहा, मैडम जी, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैडम जी, आपको बाईं ओर जाना है और मैं सीधा निकलूंगा। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? देखिए मैडम जी, मुझे सीधे जाना है, मैं आपको छोड़ने नहीं जाऊंगा। और आप यहाँ टपरी पर बैठ जाइए, आपको यहाँ कोई दूसरा ऑटो मिल जाएगा। निर्मला अब कर भी क्या सकती थी, वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि पासी में एक बहुत सुंदर महल है। माँ, मुझे वहाँ जाना है,
बेटा कछु देर में कोई दूसरा ऑटो आ जाएगा, तुम अपने घर चले जाना, इसमें मत जाओ। क्यों काका, इसमें कोई नहीं रहता क्या? इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है, यहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, लेकिन वो बहुत सारे एक साथ आते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, मुझे जाना है। बेटा काका बोल रहे हैं तो उनकी बात का भरोसा करना चाहिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। निर्मला ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बच्चे नहीं माने, और फिर चाय वाले के मना करने के बाद भी वो उस महल की तरफ चली गई। जब वो अंदर गए तो उस महल का दरवाजा खुद खुल गया, जिसके बाद उसने देखा कि उसके पास कोई नहीं है। ये देखकर तीनों हैरान हो गए, महल बहुत सुंदर था। माँ, ये महल तो बहुत सुंदर है। हाँ माँ, देखो ना, इतना सुंदर महल मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और तुम्हारे पापा भी तो घर पहुँचने वाले होंगे। तभी उनके सामने एक लाश जमीन पर आकर गिरती है, जिसको देखकर उनकी चीख निकल जाती है और वो जोर से चीखते हैं। तभी उन्हें बहुत सारे भूत मारने के लिए आते हैं, ये देखकर तीनों बेहोश हो गए। तभी वहाँ भूतिया फौजी आया और उसके आते ही सभी भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो गए। तभी वहाँ एक साधु महाराज भी आ गए, उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ विभूति उनको लगाई, जिसके बाद तीनों होश में आ गए। बाबा आप कौन हो? मुझे अपने बच्चों के साथ घर जाना है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। बाबा ये भूतिया फौजी भी है। नहीं नहीं, तुम इन्हें गलत समझ रही हो, ये फौजी भाई सबकी मदद करते हैं। हाँ, एक हादसे में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब से ये सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये भूत और बुरे लोगों से सबकी मदद करते हैं। मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन जब एक दिन मैं छुट्टी पर घर आ रहा था तभी मेरी मृत्यु हो गई थी, बाद में मेरे परिवार की भी मृत्यु हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है। बाबा ने तीनों के लिए ताबीज बना कर दिए और बाहर छोड़ाए। निर्मला अपने बच्चों के साथ सुरक्षित घर पहुंच गई। माँ, मैं आज के बाद कभी भी कहीं जाने की जिद नहीं करूंगी। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम समझदार हो गए हो। तभी उनके पापा भी घर आए, उन्होंने सारी घटना बताई, सभी ने फौजी का धन्यवाद दिया और भगवान से उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की, और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।